आज हम आपको सिंपल सेंटेंस के रूल को बताएंगे, रूल को समझेंगे कि अगर हमें ट्रांसलेशन करना है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और वो भी सिंपल सेंटेंस का है, तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह बदलते हैं उसको हम सीखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दुलार दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल है, तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेंस के चार भाग और उसके चारों के मतलब जो है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे और इसको जब खत्म फिनिश कर लेंगे तो हम फिर कंटिन्यूअस पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है, उसका जो रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमने बता दिया है, आप पुराने हमारे इससे पहले का वीडियो देखें जिससे आपको पूरे अच्छे तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सिंपल सेंटेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यहाँ पे आप लिख दो सिंगुलर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया प्लूरल। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें यस या यस लगेगा। अगर मेन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लग जाएंगे, बाकी उसमें यस या यस नहीं लगेगा। अब यस या यस कब लगता है और कब, देखिए, यदि वर्ब का लास्ट लेटर इन से खत्म होता है तो आप यस लगाएंगे और अदरवाइज आप यस ऐड करेंगे। अब चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। काम, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम क्या है, राम अकेला है, और राम जब अकेला है इसका मतलब सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। अब चलिए, रूल है कि सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अब राम है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब है हमारा जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो, तो ये हो गया गो। अब गो के साथ यस या यस लगेगा, तो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर लास्ट में ओ है तो यस जुड़ जाएगा, यहाँ लास्ट में ओ आ रहा है तो ये हो गया यस। और कहाँ जाता है, स्कूल, तो ये हो गया स्कूल। लेकिन स्कूल, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, राम जाता है कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, तो राम का स्कूल से रिलेशन है, तो स्कूल को जाता है, तो को के लिए यहाँ पे लगेगा टू। कभी कभी सेंटेंस में नहीं दिया होता है, तब भी आपको अपने हिसाब से उसकी प्रीपोजिशंस को यहाँ पर ऐड करना है, मतलब लगाना है। और ये बच्चों हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आगे, वह पूजा करती है, वह का मतलब हो गया सी, और सी है सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए सबसे पहले करना और पूजा करना एक ही सेंटेंस है, ना कि करना अलग से। पूजा करना या मतलब वर्शिप करना, प्रे करना, तो वह पूजा करती है, तो पूजा का होता है वर्शिप, सी वर्शिप, वर्शिप माने पूजा करना, लेकिन यहां पर पी आ गया और अदर में क्या लगता है, यस ही वर्शिप्स, कहां, बस सिंपल सा सेंटेंस खत्म हो गया। आगे देखिए, वह हम मंदिर जाते हैं, हम का होता है बी, आपको प्रोनाउन की मीनिंग याद होना चाहिए, वर्ड की मीनिंग याद होना चाहिए, प्रीपोजिशन की मीनिंग भी याद होनी। वी, वी माने हम, जाना का मतलब होता है गो, तो बी गो। अब ओ के साथ यस लगेगा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हम ये अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और प्लूरल है तो उसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो बी गो कहाँ जाते हैं, टू टेम्पल, मंदिर में जाते हैं, बी गो टू टेम्पल। वह अपना काम करते हैं, वह का मतलब हो गया दे, दे हो गया प्लूरल, दे, और काम करना का होता है डू माने काम, दे डू वर्क, डू माने करना होता है, और क्या करते हैं, अपना काम, दे डू। अब अपने के लिए बच्चों, अपने के लिए देखिए, अपने के लिए, अपने के लिए आई के लिए माई लगेगा, आई के लिए माई लगेगा, वी के लिए
ये सब अपने के लिए है, अपने का जहाँ यूज होगा। यू के लिए योर लगेगा, दे के लिए देयर लगेगा, ही के लिए हीज लगेगा, सी के लिए हर लगेगा और इट के लिए इट्स लग जाएगा। ये आपकी इंग्लिश है अपने के लिए। तो यहाँ पर दे है, दे के साथ में क्या लग रहा है, देयर। तो दे डू देयर वर्क, टी एच ए देयर वर्क। अब यहाँ यस यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। आगे देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई का होता है, आई का मैं होता है। अब मैं बहुवचन में है सिंगुलर, लेकिन बहुवचन में इसे मानते हैं। पढ़ना का होता है रीड, तो आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, ए बुक। आ रहा बच्चे समझे, मजा आ रहा है, ठीक है। आगे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे तो बच्चे का मतलब चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस। अब प्लूरल हो गया, उड़ाना का फ्लाई होता है, तो चिल्ड्रेंस फ्लाई क्या उड़ाते हैं, एक काइट, एक काइट उड़ाते हैं, मतलब एक पतंग उड़ाते हैं। धोबी कपड़ा धोता है, धोबी का क्या होता है, वाशरमैन। अब वाशरमैन एक जाति है विशेष, और इसके लिए आर्टिकल को हमने बताया है कि आर्टिकल अभी हमने पढ़ाया नहीं, अब जब पढ़ाऊंगा उसको ध्यान समझना। आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, जिसमें द डिफिनिट आर्टिकल होता है, ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। तो द डिफिनिट के साथ लगता है, तो जैसे धोबी है, धोबी डिफिनिट है, निश्चित है। तो द वाशरमैन, द वाशरमैन वाशेस। अब एस एच आ गया और एस एच के साथ ई एस लगता है, तो वाशेस क्या धोता है, कपड़ा, क्लोथ, कपड़े नहीं है, कपड़ा है, ठीक है। रामू पार्क में टहलता है, तो रामू, तो रामू वॉक्स, रामू सिंगुलर है और इसके लिए वॉक्स हो जाएगा, कहाँ, इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है। चिड़िया घोंसले में रहती है, तो द बर्ड लिव्स, यहाँ पर सिंगल है, द बर्ड मतलब एक चिड़िया, द बर्ड लिव्स इन द नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। मैं गाना गाता हूँ, ये सॉरी ये है इसका, और ये इसका हो गया। बच्चा दूध पीता है, द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क, ठीक। मैं गाना गाता हूँ, आई, आई बहुवचन है, गाना का सिंग होता है, तो आई सिंग क्या गाता हूँ, एक गीत गाता हूँ, मतलब ये सॉन्ग, ठीक है। आगे हम टीवी देखते हैं, हम का मतलब होता है वी, तो वी देखना होता है, वॉच, टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है, तो वी वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो वॉच लगाएंगे। और क्या देखते हैं, मतलब हम टीवी को देखते हैं, वी वॉच टीवी। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस था। आगे हम कल कुछ जागना उठना दोनों होता है, मैं सुबह उठता हूँ, तो उठने के लिए गेटअप होता है, तो आई गेटअप, वेकअप मैंने जागना, गेटअप मैंने उठना, आई गेटअप मैं उठता हूँ सुबह, अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। वर्वज नदी में नहाते हैं, दे, दे प्लूरल है, नाना का बाथ, दे बाथ इन द रिवर, नदी में, दे बाथ रिवर, दे बाथ इन द रिवर। अब इस तरह भी ले सकते हैं, दे बाथ डेली इन द रिवर, दे बाथ, या दे बाथ इन द रिवर डेली, तो दे बाथ डेली इन द रिवर, इन द रिवर, और दे बाथ रिवर इन द रिवर डेली, तो ये ज़्यादा बेटर बैठता है। तुम अपना पाठ याद करते हो, यू लर्न योर, योर माने अपना, योर लेसन, ठीक है, यू लर्न योर लेसन।
चलिए आगे बनाते हैं बच्चों। वह रसोई में खाना बनाती है, वह रसोई में खाना बनाती है। सी कुक्स फूड, क्या बनाती है? फूड। कहाँ बनाती है? किचन में। तो इन द किचन, ठीक है। राधा रोज बाजार जाती है, राधा कहाँ जाती है? बाजार। तो राधा गोज टू मार्केट डेली। इस डेली को आप बाद में भी लगा सकते हैं इस तरह, अथवा दे बाथ इन द रिवर डेली, ठीक है। इस डेली को हटा के बाहर आप कर दो बेहतर रहेगा। डेली दे बॉथ इन द रिवर। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं कि मतलब बहुत सारे टीचर्स हो गए, तो टीचर्स टीच टू द स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट होगा, बच्चे नहीं होगा, मतलब चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं होगा। स्टूडेंट्स किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है। वह अपना गृह कार्य करते हैं, तो दे डू देयर होम वर्क। रामू बाजार से सब्जी लाता है। रामू ब्रिंग्स, ब्रिंग माने लाना। रामू ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ठीक, तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।